हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता कुमारी स्वागत करती हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल ममता कुमारी ब्लॉग्स में। तो प्लीज़ जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आज हम लेके आए हैं कि तुलसी और शालिग्राम को साथ में रखना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, तुलसी और शालिग्राम को एक साथ ही रखना चाहिए क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और वो यह कहते हैं कि मैं समस्त देवी देवता के साथ आपके जड़ में विराजता हूँ। इसलिए इसी आशा में कि आपका एक पत्ता टूटकर मेरे ऊपर गिरे और तुलसी के जड़ में ब्रह्मा जी और मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी भाग में शिव जी वास करते हैं, इसलिए शालिग्राम और तुलसी का संबंध अटूट है और आप शालिग्राम और तुलसी को एक साथ ही रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कॉमेंट ज़रूर करें, हम वेट करेंगे। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है। और 3-4 दिन से ठीक नहीं लग रहा था, अभी भी ठीक नहीं लग रहा है, तो सोचे डेली वीडियो अपलोड करते हैं। फिर भी जैसा होता है जो होता है आप लोग के लिए हम वीडियो लेके आते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। और आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कॉमेंट में प्लीज़ बताइए दोस्तों, और सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम ऊपर जा सकते हैं, और अगर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा दोस्तों तो हम नीचे ही रह जाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें जितना हो सके, जैसे हो सके। आप लोग सारे फ्रेंड्स से मेरा यही उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ जैसे हो सके, जितना हो सके आप लोग उतना ही सपोर्ट करें दोस्तों। तो आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए, हम उसी तरह का वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, आज के लिए इतना ही, बाय, राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक हैं और भगवान आप लोग को ठीक रखे, और आप लोग के आशीर्वाद से हम भी ठीक हैं दोस्तों। और मिलते हैं, बाय।